हेलो गाइस, मैं अमरीश शर्मा। पार्ट 3, जहां पर हम इंपोर्टेंट सेंटेंस विच आर डेली यूजेज, ऐसे सेंटेंस को आपके समक्ष ला रहे थे जहां पर आप इन सेंटेंस का प्रयोग अपनी डेली लाइफ में, अपने जीवन में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इनका प्रयोग करना आपको एक इतना स्मार्ट प्लेटफॉर्म देता है कि हाँ, लगता है कि आपने कुछ गेन किया है। हाँ, इनके बारे में आपको पता है, लेकिन फिर भी पता होने के बावजूद भी आप इनका यूज अपनी डेली लाइफ में नहीं करते। तो ये गाइड आपको, इन सेंटेंस का प्रयोग आप किस कारण से नहीं करते, उसका एक मेन मकसद है कि आप ये सेंटेंस, आपको मालूम तो है कि इनका अर्थ क्या है, इनकी इंग्लिश क्या होती है। आप कोई आपसे पूछे या बोले, आपसे क्वेश्चन करे, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप में आपके पास ये सेंटेंस मौजूद नहीं है, आपकी वोकैबुलरी में मौजूद नहीं है, आपके शब्द समूह में मौजूद नहीं है। तो गाइस, इनको अंकित करने के लिए आज केवल आपके पास पार्ट नंबर 3 है। आप इनको अपने डिक्शनरी में, अपने माइंड में सेव करें और डेली यूज करें अपने लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, छोटे से क्वेश्चन का जादू इतना अच्छा है, इतना बड़ा है कि आपको लगता है कि हाँ, आपने कुछ प्राप्त किया है। आप अब पहले क्या थे और अब आप में कितनी स्मार्टनेस मौजूद है। तो गाइस, क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन। अगर आपको पूछना है क्या हुआ, आप इनका प्रयोग अपनी लाइफ में करेंगे तभी आप अपने आप को स्मार्ट महसूस कराएंगे किसी दूसरे को कि हाँ, कुछ चेंजिंग मेरे अंदर आई है। क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या आपने मुझे बुलाया था, हैड यू आस्क फॉर मी, हैड यू आस्क फॉर मी। नेक्स्ट, मैं जा सकता हूं या मैं जाऊं, मैं आई गो। आपको इन सेंटेंस के बारे में पता हो तो है, लेकिन आप इनको बोलने में हेजिटेशन महसूस करते हैं। क्यों करते हैं कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, क्योंकि ये आपके पास इनकी वोकैब, ये आपके रूप पास डिक्शनरी में लिखित रूप में नहीं है। तो आप इनको साथ साथ सेव करते चलें। इससे पहले हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 केवल 4 से 5 मिनट्स की प्रत्येक वीडियो है, दो ही वीडियो हैं, तो आप उनको भी जरूर से जरूर देखें। मैं भी चलूं या मैं भी चलूंगा, मैं आई एकम्पनी यू, मैं आई एकम्पनी यू। क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कम, आर यू कम। आर यू कम, मैं लाऊं या मैं दे दूं, शुड आई ब्रिंग इट, शुड आई ब्रिंग इट। मिजाज कैसे हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं, या आप कैसे हैं, हाउ आर यू। समझे या मेरी बात को समझे, समझे या मेरी बात को समझे, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, या आप एक भी मीनिंग में इसको बोल सकते हैं, अंडरस्टूड। क्या बोल सकते हैं गाइस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, क्या मतलब, क्या मतलब,
व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, या तो शॉर्ट में बोल सकते हैं मीन, क्या आप मीन भी बोल सकते हैं, लेकिन व्हाट डू यू मीन, क्या साहब अंदर हैं, क्या साहब अंदर हैं, इज द बॉस इट, इज द बॉस इट, कौन है, हु इज इट, हु इज इट, क्या है, व्हाट्स, व्हाट में एपोस्ट्रोफी एस है, व्हाट्स द मैटर्स, व्हाट्स द मैटर्स, क्या बात है, सपोज लोग जो कुछ व्यक्तियों में कुछ बात चल रही, आप अचानक वहां पर आए तो आपने कहा व्हाट्स मैटर, क्या बात है, आप दा भी रिमूव कर सकते हैं, केवल व्हाट्स मैटर कह सकते हैं या व्हाट्स द मैटर। दिनेश कहां है, वेयर इज दिनेश, वेयर इज दिनेश, कब आए, व्हाट डिड यू कम, व्हाट डिड यू कम। तो गाइस हमने आज के सेशन में केवल 1 to 14 शॉर्ट सेंटेंस आपके समक्ष प्रस्तुत किए, जो आपको एक स्मार्ट लेवल पर पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आप इनका जो डेली, तो आपको मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 1 week 3 to 4 वीडियो देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा गाइज। तो आप इन वीडियो को अपनी वोकैब में, अपनी डेली लाइफ में यूज करें। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।